इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट दशकों पुराना है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट के तहत जन्मे हमास का तो कभी इसराइल से बना ही नहीं। दोनों की संघर्षों की बहुत सी कहानियां हैं और उन्हीं एक की चर्चा आज हम हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में करेंगे, जिसमें हमास ने एक इजरायली सैनिक को 5 साल बंधक बनाए जाने के बावजूद 1027 फलस्तीनी कैदी छुड़वाए, लेकिन कैसे। बात है 25 जून 2006 की। हमास की सहयोगी ब्रांच इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के 8 मिलिटेंट्स एक सुरंग के माध्यम से गाजा से इजराइल पहुंचते हैं और IDF पोस्ट पर तैनात इजरायली फौजियों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में 2 इजरायली और 2 मिलिटेंट्स भी मारे जाते हैं, जबकि कई इजरायली सैनिक घायल होते हैं। इन्हीं घायल सैनिकों में से एक सैनिक था गिलाद शालिट, जिसको टूटे हुए हाथ और कंधे पर लगी चोट के साथ हमास के जवान सुरंग के रास्ते गाजा ले जाते हैं। अब शालिट की रिहाई के बदले हमास इसराइल से सभी महिला और नाबालिग फलस्तीनी कैदी को रिहा करने की मांग करता है, लेकिन इसराइल किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए 28 जून 2006 को गाजा के एक शहर खान यूनुस में अपनी फोर्सेस उतारता है। लेकिन हकीकतन इसराइल को मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि गाजा में शालिट कहाँ छुपाया गया है। इसराइल का ये मिलिट्री ऑपरेशन बेकार साबित होता है। इसी बीच सितंबर 2006 को इजिप्शियन मीडिएटर्स को एक लेटर रिसीव्ड होता है, जिसमें लिखा था, मैं जिंदा और स्वस्थ हूँ। बाद में हैंडराइटिंग से कंफर्म हो जाता है ये लेटर शालिट ने ही लिखा था। अब तक पूरे इसराइल में शालिट एक नेशनल मुद्दा बन चुका होता है और गवर्नमेंट पर पब्लिक की भारी प्रेशर होती है कि वे शालिट को किसी भी कीमत पर रिहा करवाएं। 8 अप्रैल 2007 को इसराइल कंफर्म करता है कि उसे शालिट के बदले रिहा करवाए जाने वाले कैदियों की एक लिस्ट मिली है, पर अभी भी इसराइल और हमास में नहीं बनती और वक्त खिंचता चला जा रहा था। 2008 में शालिट के फादर फॉर्मर USA प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से मिलते हैं, जिससे हमास पर प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन इस बार भी नतीजा बेकार निकलता है। अब साल आता है 2009 का, जब इसी साल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने पब्लिक से पहले ही शालिट को सुरक्षित वापस लाने का वादा किया था। इसलिए शालिट की एक स्वस्थ वीडियो के बदले 20 फलस्तीनी महिला कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, पर इससे हालात ज़्यादा बदलते नहीं और हमास अपने पुराने मांग पर अड़ा रहता है। अब 27 जून और 8 जुलाई 2010 के बीच शालिट के पेरेंट्स और हजारों शालिट के सपोर्टर्स नॉर्थन इसराइल से जेरूसलम तक शालिट की याद में एक रैली निकालते हैं। ऐसे में पब्लिक प्रेशर के चलते इसराइल को हमास से बातचीत बढ़ानी पड़ती है। शालिट के बंधक बनाए जाने के 5 साल के बाद जाकर इजिप्ट के मेडिएशन के चलते इसराइल और हमास में अक्टूबर 2011 में एक समझौता होता है। इसमें शालिट के बदले इजरायली गवर्नमेंट को 1027 फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ता है। 18 अक्टूबर 2011 को शालिट इजरायली गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। IDF शालिट को टेल नॉफ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पेरेंट्स के पास लाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ हमास और इसराइल की ये कॉन्फ्लिक्ट की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय।